फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखो, मैं आज मैं सूट की कटिंग बताऊंगी आपको। आज सूट की कटिंग कैसे होती है देखो। मैंने ये गले वाला डिजाइन का गला है इसमें, और मैंने डबल फोल्ड करा हुआ है। ये यहाँ से ये डबल फोल्ड कर लिया है। ये बीच से बिल्कुल सेंटर से मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। अब ये देखो, इसमें तीरा मैंने लिया है 6.5 इंच, 6.5 इंच तीरा लेके, और यहाँ से भी 6.5 इंच लिया है। 6.5 इंच पे हम इसके बाजू की कटिंग के लिए ये आर्म, और यहाँ से हमारा छाती का चौथाई हिस्सा लेना है हमें। जैसे चेस्ट हमारी है 40 इंच है, तो 40 में 10, इसका चौथाई हिस्सा 10 आया, और 10 में 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है, ये कटिंग का निशान है 12 इंच का। अब हम इसकी गोलाई कर देंगे, ऐसे हम इसकी गोलाई कर देंगे। इसकी एक गोलाई हम अंदर करें, अंदर की साइड की करेंगे, एक बाहर के हिस्से की करेंगे। ऐसे ऐसे हमारी दो आर्म होल की कटिंग होगी। और ऊपर से कंधे से हमें 14 इंच ले लेना है, 14 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। जब हमने यहाँ पर 12 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच हम यहाँ पर कम कर देंगे, तो हमारा ये कमर का निशान हो जाएगा। 11 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है, ये इसको इससे मिला देंगे। तो ये कमर का निशान लग जाएगा। अब हम हिप का निशान लगाएंगे, तो ये आर्म होल का जहाँ से निशान लगाया है, वहाँ से हम 14 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। 14 इंच पे ये हिप का निशान लगाएंगे। हमारी जैसे हिप है 42, 42 का चौथाई लेंगे, तो 10.5 हुआ। 10.5 में 2 इंच प्लस करके 10.5, 11.5, 12.5, 12.5 पे हम एक निशान यहाँ लगा देंगे। 12.5 पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस निशान से मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये अब ये यहाँ से हिप का हमने 12.5 इंच का निशान लगाया है। नीचे भी हमने ये 12.5 इंच निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 12.5 इंच का निशान लगाएंगे। 12.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसको और इसको, हिप के निशान को इसको हम मिला देंगे। ऐसे हम सीधा हमारा ऐसे निशान सीधे हम इसको लगा देंगे। ये हमारा सीधा ये दामन का निशान हो गया, इसको हमने बस। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको सूट की कटिंग बताई है, सिंपल है बिल्कुल। अगर आपकी जिस नाप से आपको बनाना है, उस नाप से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ये हमने कटिंग का निशान लगाया, यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान, जो हमारी फिटिंग है, जैसे हमारी 40 इंच की फिटिंग है, तो हमारे 10 इंच पे, 10 इंच पे हम यहाँ पर निशान 10 इंच से थोड़ा सा बढ़ा के 10:15 बजे, 10:15 पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे, और यहाँ से ऐसे गोलाई बनाते हुए इसको ऐसे ऐसे निशान लगाएंगे। ये हमारी सिलाई का निशान है और ये कटिंग का निशान है। अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग करेंगे। देखो,
देखो ये हम बाहर के निशान पे कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो हम जो गला है हमारा ये 3 इंच रख लेंगे। 3 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच की तिरछी कटिंग करनी है ऐसे। अब मैं पीछे का पार्ट काट के दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड्स मैंने ये डबल इसको डबल करके ऐसे फोल्ड कर लिया है। मैंने ये इतना ही कपड़ा करा है जितना कि हमारा इस पोर्शन में आगे के पोर्शन में था। जैसे हमारा हिप का ये 12.5 था तो मैंने 12.5 इंच भी ये कपड़ा फोल्ड किया है। अब 12.5 इंच फोल्ड करने के बाद हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। ये आगे का पोर्शन है और ये पीछे का है। आगे के पोर्शन को हम इसके ऊपर रखने के बाद हम फिर इसकी कटिंग करेंगे जिससे कि हमारे बिल्कुल ही सेम कटिंग आएगी। आगे के पीछे की बिल्कुल सेम कटिंग। इसको सही से सेट करके रखना है जिससे कि हमारा छोटा बड़ा ना हो और अच्छे से कटिंग हो जाए। देखो नीचे बराबर ले लिया मैंने। अब यहाँ से बराबर काटते हुए ऊपर को ले जाऊंगी। देखो फ्रेंड्स ये हम घर में अपना सूट बना सकते हैं। बाहर बहुत महंगी सिलाई हो गई है तो हम घर में भी कटिंग करके अपना आराम से सूट अच्छे से तैयार करके अपने आप भी पहन सकते हैं। ये देखो ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का। अब ये आगे के पोर्शन को हम ऐसे पलट के आगे की कटिंग कर लेंगे। आगे की ये जो हमने आगे की कटिंग करनी है आर्महोल की, जिससे इसको कटिंग करने से आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी ऐसे। ये आगे कटिंग हो गई और ये पीछे का पोर्शन हो गया। अब मैं आपको बाजू काटना सिखाऊंगी। बाजू कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगी। कैसे करते हैं बाजू की वो दिखा रही हूँ मैं। ये हमने 4 फोल्ड कर रखे, 1, 2, 3, 4 फोल्ड कर रखे मैंने। अब हम जैसे ये मैंने ये 15 इंच लिया है, बन के मतलब 13 इंच हो जाएगा, 13 इंच बाजू बन जाएगा। ये यहाँ से मैंने लिया है इसकी चौड़ाई 3 इंच पे निकालिए, 3 इंच पे निकालिए, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया हमने। अब यहाँ से हम गोलाई करते हुए बाजू की गोलाई ऐसे हम ऐसे करते हुए ऊपर तक निशान लगाएंगे। ये हमने गोलाई कर दी, ये बाजू की हमने गोलाई कर दी है। अब इस पे हम
ये देखो ये अंदर की गोलाई करती है, ये इसको हम ऐसे ये अंदर की गोलाई कर दी है, ये बिल्कुल सही से गोलाई कर दी है और ये बाहर की गोलाई कर दी है। अब हम इसमें, अब जैसे हमको कितनी बाजू नीचे रखनी है उस हिसाब से मेरे को जैसे रखनी है तो मैं 2 इंच मार्जिन रख के 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ से ये हम तिरछा निशान लगाएंगे, इसको ये तिरछा निशान हम लगाएंगे ऐसे हमारी। ये ऊपर की पहले कटिंग करनी है, ऊपर की गोलाई की कटिंग करनी है, ये ऊपर की गोलाई की कटिंग मैंने की है। इसके बाद हम ये दो पल्ले ये ऐसे देख के ऐसे अंदर की कटिंग करनी है। सही से गोलाई कर देंगे, इस तरह हमारी ये बाजू निकल आएंगी। एक ये बाजू निकल आई और एक ये निकल आई, दो बाजू हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरह फ्रेंड्स हम बाजू की कटिंग करेंगे और अब मैं आपको इसको सिलना सिखाऊंगी, सूट को सिलना कैसे सिखाते हैं मैं वो अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपको मिलती रहे।